नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है आयुष्मान भारत योजना। कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगामी होने वाले एग्जाम में भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत योजना मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री मोदी ने बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, उन्होंने स्वास्थ्य की तर्ज पर एक ओबामा केयर योजना प्रारंभ की थी। उसी की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जिस योजना को प्रारंभ किया गया उस योजना का नाम था आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना को मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। मोदी केयर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ओबामा की तर्ज पर मोदी सरकार ने भारत में इस योजना का शुभारंभ किया था। अब आता है कि जो आयुष्मान भारत योजना है, इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी योजना को? आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के नाम से भी इस योजना को जाना जाता है। अब आता है कि जो आयुष्मान भारत योजना थी उसकी घोषणा कब हुई? तो ध्यान रखना, फरवरी 2018 में जब बजट आया तो अरुण जेटली साहब ने कहा कि एक विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना को भारत में लागू किया जाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों, आप जानते हैं भारत एक विकासशील राष्ट्र है, यहाँ पर गरीबों की संख्या काफी अधिक है और भारत सरकार ने इस बात को माना कि अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा दें तो हमारे भारत में जो BPL परिवार है उनकी संख्या को हम घटा सकते हैं। क्योंकि NSSO के आंकड़े ये बताते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं की गड़बड़ी के कारण भारत के 6 लाख लोग हर साल गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में से किसी भी सदस्य के या तो की कोई बीमारी लग जाती है और बीमारी के इलाज में उनको कर्ज लेना पड़ता है और वो BPL बन जाते हैं। तो BPL नहीं बने हर जो भारतीय नागरिक है उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बीमा योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम था आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना की घोषणा फरवरी 2018 में अरुण जेटली के द्वारा की गई और इसकी जो शुरुआत हुई आयुष्मान भारत योजना की, ये हुई 25 सितंबर 2018 में पंडित दीनदयाल जयंती के उपलक्ष पर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और जहां से इस योजना की शुरुआत की गई थी विद्यार्थियों, वो था आपका रांची झारखंड। रांची झारखंड में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। किस योजना का? आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था। अब ये था कि आयुष्मान भारत योजना में 2 योजनाएं समाहित है। कितनी योजनाओं को समाहित किया गया? 2 योजनाओं को समाहित किया गया था। एक था आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, और एक थी आपकी वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ये 2 योजनाओं को समाहित करके आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था। अब आती है बात आयुष्मान भारत योजना की विशेषताएं क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, आयुष्मान भारत की पहली विशेषता ये है कि इसमें प्रति परिवार जो है वो 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। प्रति परिवार जो है 5 लाख का बीमा दिया जाएगा
और इसमें 10.74 करोड़ परिवार इस योजना से क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। परिवार तो इसका मतलब है लगभग लगभग 50 करोड़ लोग जो है इस बीमा योजना में शामिल किए जाएंगे। कितने लोग? 50 करोड़ लोग इस बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। इसीलिए विद्यार्थियों, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाएगी। आयुष्मान भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाएगी। अब बात आती है कि जो प्रति परिवार 5 लाख रुपए होंगे, 10.74 करोड़ परिवार जो है इससे लाभान्वित होंगे। और ध्यान रखना, द्वितीयक व तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे इस योजना के तहत, स्थापित किए जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, केवल जिला केंद्र और सामुदायिक जो आपके स्तर है, बड़े जो हॉस्पिटल्स है सरकारी, उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है, सरकारी व निजी दोनों अस्पतालों में क्या दी जाएगी, स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। और निजी अस्पताल वो होंगे जिनका आयुष्मान भारत की लिस्ट जो होगी, भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो लिस्ट जारी की जाएगी, वो जितने भी हॉस्पिटल है उन सब में आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है क्या दिया जाएगा, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। और स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिलेगी विद्यार्थियों, वो कैसी होगी, कैश लेस होगी। क्या होगी? कैश लेस होगी। बिना पैसे के स्वास्थ्य सुविधा उस जो भी हॉस्पिटल में जाएगा उसको उपलब्ध होगी। अब किसी के दिमाग में आया कि 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी, राशि नहीं मिलेगी आपको। अगर आपके परिवार का कोई मेंबर बीमार हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज फ्री में उन हॉस्पिटल्स में होगा जिनको स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामांकित किया गया है। अब बात ये आती है किन किन लोगों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो शामिल होने की क्या है विद्यार्थियों, शर्तें हैं। एक तो उसके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा उसके पास में कच्चे मकान होना चाहिए, या बेघर हुए व्यक्ति को इस योजना में शामिल किया गया है। ऐसे परिवार जहां पर 16 से लेकर 59 साल तक के व्यक्ति नहीं हो, उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। और आपको ध्यान रखना, ऐसे बीपीएल परिवार जब 2011 में सामाजिक आर्थिक जो जनगणना हुई थी उनके आंकड़ों के आधार पर खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल बीपीएल परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है, उन लोगों को इस योजना में फायदा मिलेगा। तो कैश लेस सुविधा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अस्पताल, मान लो अस्पताल में आपको एडमिट किया गया है, क्या किया गया है, एडमिट किया गया है, तो एडमिट से 3 दिन पहले और एडमिट के 7 दिन बाद तक का जितना खर्चा होगा वो सब इस आयुष्मान भारत बीमा योजना के अंतर्गत शामिल होगा। मतलब ये है कि इसमें भर्ती होने से पहले और भर्ती होने के बाद भी खर्चा अवेलेबल करवाया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आयुष्मान भारत योजना में अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 7 दिन बाद तक इसको क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है विद्यार्थियों, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो योजना का भार दिया गया वो केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को दिया गया विद्यार्थियों। केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है
और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी को आयुष्मान भारत का जिम्मा सौंपा गया है और जिस मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है या जिस मंत्रालय के अधीन ये योजना आती है वो है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आयुष्मान भारत योजना है, जो कि एक स्वास्थ्य योजना है गरीब परिवारों को, जो हमारे भारत के सामान्य नागरिक है उनको गरीब होने से बचाने के लिए, और जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, कैश लेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, मोदी केयर के नाम से भी जिस योजना को जाना जाता है। अब बात आती है कि आयुष्मान भारत के पहले सीईओ बनाए गए थे इंद्रभूषण साहब को, इसका पहला सीईओ बनाया गया था कौन सी योजना का, आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान में इस योजना को 1 सितंबर 2019 में लागू किया गया और 1 सितंबर 2019 में क्या किया गया, आयुष्मान भारत योजना और राजस्थान में जो योजना चल रही थी भामाशाह योजना जो एक ही स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उस योजना को, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या हो रही थी, क्रैश हो रही थी, तो राजस्थान सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत और भामाशाह योजना को दोनों को समाहित कर लिया और इसका नाम रख दिया आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय बीमा योजना, इस योजना का नामकरण कर दिया गया और राजस्थान सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत और भामाशाह योजना को समाहित करके 1 सितंबर 2019 को इस योजना का नाम महात्मा गांधी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के नाम से इस योजना का नामकरण कर दिया। तो आपने आयुष्मान भारत योजना के बारे में पढ़ा, जिसमें 10.74 जो है करोड़ परिवारों को इसमें शामिल किया गया है, प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना को से लाभान्वित होंगे, दो योजनाओं को मिलाकर के इस योजना का शुभारंभ किया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आपने आज आयुष्मान भारत योजना, मोदी केयर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियोस में हम इसी तरह भारत सरकार की योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको और एग्जाम क्रैक कर सको, इसी उम्मीद के साथ मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगी। इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाती रहूं। विद्यार्थियों, धन्यवाद।